Hey guys! Welcome to the Happiness Cocktail. So guys, आज हम लोग discuss करने वाले हैं रामेश्वरम trip के ऊपर. So हम लोगों ने कैसे plan किया, हमारा experience कैसा था, सब कुछ हम लोग discuss करने वाले हैं अभी. और इस video को देखने के बाद ये आप जरूर जान जाएंगे कि जो mistake, जो चीजें हमने सीखी इस पूरे trip में, वो चीज़ें आपको कैसे हेल्प करेंगे. और ये वीडियो के देखने के बाद आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि मतलब कैसे जाना है, कहाँ पे रूम बुक करना है, कितने दिन का प्लान करें, थ्री डेज आर इनफ और थ्री नाइट्स आर इनफ. सो वी आर गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस. सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, देन आई एम देविना एंड ही इज विपिन, माय हस्बैंड. सो वी मेक ट्रैवल वीडियोस. सो गाइस, इफ यू लाइक व्हाट यू सी सो फार, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन एज वेल. Without any further ado, let's get started. Yeah. So what happened is like we started. हम लोगों ने क्या क्या, we'll get into it कि मतलब हम लोग मधुरई में particularly क्या क्या cover किए और रामेश्वरम में क्या किए. We'll start with like Bangalore से हम लोगों ने सुबह 7 बजे around start किया था. सुबह 8 बजे के करीब, हाँ 8 बजे के करीब. 7 to 8 था. और 2 घंटे तो हमको बैंगलोर से मतलब होसुर पहुँचने में हमको 2 घंटे लग गए. 10 बजे के आ रहा, almost we cross होसुर, so it was that much traffic. और उसके बाद फिर हम लोग करीब 6:15 बजे के करीब हम लोग पहुंचे हैं मदुरई, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके थे, रास्ते में ट्रैफिक था. 415 किलोमीटर इट टेक्स टाइम. और रोड बहुत शानदार है, कहीं का भी ऐसा नहीं लगा कि पूरा हाईवे नेशनल हाईवे और तमिलनाडु. ओह गॉड, awesome. एंड देयर आर कपल ऑफ टोल्स आर देयर, सो बी प्रिपेयर्ड. मतलब इट रेंजेस फ्रॉम 70 टू 80 90, मतलब 3 टोल आते हैं, तीन टोल देना पड़ता है. तो वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे जाने के बाद हमको लगा कि मतलब पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है. अगर आपकी आपकी खुद की कार है तो आप स्ट्रगल करेंगे. एट द सेम टाइम गलियाँ इतनी सक्रिय हैं और एट द सेम टाइम अगर आप अपनी गूगल मैप के थ्रू में जाते हैं तो गूगल मैप पे दे विल गिव यू वन स्ट्रेट रूट, बट उसमें अगर आपने हल्का सा भी गलती किया, एक राइट जगह पे दूसरी राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, सो उसके बाद अंदर और गली गली से लेके जाएगा एंड दैट होल जर्नी विल बी नाइटमेयर. दूसरी चीज ये है कि हम लोग जाने से पहले बहुत बार सर्च किए कि व्हाट इज द ओपनिंग टाइम्स ऑफ द टेंपल. तो उनकी टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 5 AM टू इवनिंग 9. आफ्टर 9 o'clock दे डोंट अलाउ यू टू एंट्री. ताकि हम लोग सोचे कि टेंपल के पास रहते हैं, बट टेंपल के पास ऐसा है कि कोई ऐसा होटल नहीं था जो मतलब जिसमें मतलब थोड़ा एक मतलब साफ सुथरा एसी एंड यू नो कार पार्किंग का वाला ऐसा कोई रेस्टोरेंट तो हम लोगों को नहीं मिला. आई विल रिकमेंड कि अगर आपको मंदिर के पास कोई अच्छा होटल मिल जाता है दैट इज वेल एंड गुड. तो जिससे कि आप अपना हम लोगों ने 18 किलोमीटर फार हम लोगों ने लिया था. और वो भी ऐसा हुआ था कि फर्स्ट जो हम लोग रूम बुक किए वो उन्होंने ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया, है ना. हाँ, उन्होंने कैंसिल कर दिया. फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा ये रूम बुक किया था. तो इस तरीके से हुआ. सो दैट्स व्हाट. और फिर मदुरई में हम लोग फिर सेकेंड डे जो गांधी मेमोरियल करके हैं हम लोग वहाँ गए थे. वो बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब वो तो जाना है. मतलब गांधी जी की टोटल गांधी की स्मृतियों में कुल मिला के 6 जगहों में से एक है ये जो मदुरई में स्थित है. और गांधी जी का जो अंतिम दिन था जिस दिन उनको गोली मारी गई थी, तो उस समय उन्होंने जो धोती पहनी हुई थी, सो दैट इज़ देयर, मतलब खून से सनी हुई धोती, वो वहाँ पे मदुरई में है. तो एक तरीके का वहाँ पे एक अच्छा सा उन्होंने बना के रखा है स्मृति के लिए. ये मेमोरियल गए. हाँ, उसके बाद फिर रामेश्वरम निकल गए हम लोग. रामेश्वरम निकल गए. तो मदुरई से रामेश्वरम है 173 किलोमीटर, 3 आवर लगे. हाँ, तो हम लोग करीब 4 बजे के करीब पहुंचे वहाँ पे. और अरे यार, सोचे कि मंदिर ऐसा है कि मंदिर बेटर भी प्लान इट कि अगले दिन सुबह करेंगे. तो एक धनुषकोटी करके वहाँ पे जगह है जहाँ पे दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मतलब वहाँ से समुद्र आ जाता है और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी पे
और वहाँ से 17 किलोमीटर ही आपका जो है श्रीलंका है, श्रीलंका तो वैसा होता है। तो हम लोग का प्लान था कि भाई 5:30 बजे जाएंगे, बीच में बैठेंगे, बट वहाँ पे हम लोग का बड़ा हिटा हो गया क्योंकि दे डोंट अलाउ एनी व्हीकल आफ्टर 5 PM, सो यू हैव टू प्लान दैट। Yes. उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लोकल मार्केट स्कूल वही मंदिर के सामने में जो सारे मतलब मार्केट थे ना, वहाँ हम लोग कुछ कुछ लिए, हाँ भगवान के जो रिलेटेड है देने के लिए ये सब चीजें, तो हम लोगों ने वो लिया। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे सोचे सुबह मॉर्निंग 6 o'clock हम लोग स्टार्ट कर लिए थे मतलब मंदिर के लिए, तो वहाँ कार पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो उसको आपको टेंशन नहीं, अच्छी मतलब सर कि मतलब कार पार्किंग अच्छा है, कार पार्किंग है। दूसरा चीज ये था कि कार पार्किंग कॉस्टली है, दे आर आस्किंग 100 rupees फॉर दैट, सो दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड ऑल्सो इट इज बिट फार, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 1 kilometer है, मतलब पार्किंग इंक्लूडेड दूर है, तो मेरे क्योंकि क्या दूसरा चीज है कि ऑटो लेके वापस आए थे, तो मंदिर बहुत बड़ा भी है, तो बहुत बड़ा मतलब उनके फोर गेट्स हैं चारों तरफ से गेट है। और अगेन हम लोग यहाँ पर रुकने का भी बता देते हैं चल रहा है, तो रामेश्वरम मंदिर के आसपास भी वैसे मतलब भवन वन जो रहता है ना वो सब थे, तो अच्छा हम लोगों को होटल, हम लोग का होटल कितना था, 5 kilometers आई थिंक फार था ना, 2 kilometers फार था, बहुत अच्छा हम लोग को होटल मिला, आपको मैं फोटोज यहाँ डाल रही हूँ देखिएगा। दो एक्टिविटी है उस मंदिर में एक्चुअली, एक मतलब एक ऐसा होता है कि आप वहाँ पे 24 तीर्थ हैं जहाँ पे आपको 24 तीर्थों से आपको स्नान करना है और उसके बाद आपको दर्शन करना है। स्नान तो मतलब वो भी बताओ प्रॉपर, वो उससे पानी डाल रहे थे लोग, जो बाल्टी होता है ना, मतलब कुआं है सारे 24 जो भी तीर्थ है ना कुएं है उसके सामने, उसमें लोग पानी ऐसे से निकालते थे और झुंड रहता था पूरा उसके ऊपर, सबके ऊपर ऐसे से डालते थे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके आप पे हर तीर्थों में से का पानी जाए, आपको स्नान करना है। और हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग को इसके बारे में पता नहीं था इतने अच्छे से, मतलब लोग बताए थे कि ऐसा, हम लोग को लगा ऐसे छिड़केंगे और निकल लेंगे करके ऐसा, तो हम लोग एकदम मस्त, हम लोग पूरा नया कपड़ा पहन के पूरा तैयार होके, तो वो मतलब अगर आप क्योंकि आपको अगर आपको आइडिया है कि अगर आपको वहाँ पे जाके भीगना ही है तो ऐसे कपड़े रखें जिसको मतलब आपके भीगने से ज्यादा फर्क ना पड़े। हाँ। और वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे कि वहाँ पर जो चेंज कर रहे थे ना, तो कपड़े जो पहन के आए थे ना उसको छोड़ भी रहता है वो चीज वहाँ। दूसरा चीज ये भी था कि आपको स्नान करने के बाद जो भी मतलब 24 तीर्थ करने के बाद आपको आपने जो कपड़े पहने उसको चेंज करने, आप गीले कपड़े से रामेश्वरम का दर्शन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उसमें आप दो चीजें हैं, या तो आपका कोई पंडा हो या आपका कोई ड्राइवर हो, तो उसको आप अपने कपड़े देके रखिए ताकि जब आप दर्शन कर ले, जब आप नहा मतलब जब आप स्नान कर लें 24 तीर्थों में से, तो कोई आपको कपड़े पास कर दे। या दूसरा चीज ये है कि अगर आपका होटल पास में है तो आप ऑटो करके वहाँ जाइए और कपड़े चेंज करके आइए, सो क्योंकि वहाँ पे गीले कपड़ों से आपको अलाउ नहीं करते वहाँ। तो दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा। तीसरा चीज ये है कि तीर्थ स्थान पे जब से आप एंटर करते हैं तो उसमें 25 rupees पर पर्सन आपसे टिकट लिया जाता है, दैट इज लाइक मेंटेनेंस फीस फॉर आपको 24 जगह से पानी चढ़ाया जाएगा, राइट, सो उसका इट इज लाइक अ मेंटेनेंस। उस टाइम पे हम लोगों ने एक पंडे से भी पूछा, मतलब दैट गाय वाज हेल्पिंग अस आउट, तो दैट गाय चार्ज, वो बंदा बोला कि पर पर्सन ही विल टेक, पर पर्सन ही विल चार्ज 250 rupees, मतलब चार लोगों के लिए मैं 1000 rupees लूंगा और सब स्नान करवा, वही वो खुद डालेंगे उसमें, हम लोगों को मतलब पूरा वो एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, तो हम लोग सोचे कि ठीक है छोड़ो, 1000 rupees इज नॉट वर्थ इट, एंड हम लोग का 100 rupees में काम हो गया। तो आप लोगों को ये चीज टेक केयर करनी है कि मतलब टेम्पल के अंदर मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं, वो मंदिर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप अपने बुजुर्ग लोगों को भी लेके जाएंगे तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं, कोई मतलब ऐसे धक्का मुक्की नहीं है जैसे आप तिरुपति में आप फेस करते हैं अपन कि बहुत ज्यादा पुश करते हैं लोग, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं, बहुत शालीनता के साथ आराम से दर्शन होगा उनका, अंदर जाके जो ये सारी चीजें हुई ना, ज्योतिर्लिंगों में से एक है, एक हिंदू धर्म में मतलब एक बहुत ही अच्छा एक स्थान पाया गया है इसको, तो जो बोलते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, सीरियसली मतलब ऐसा अंदर जाके लगा कि मतलब ये वो रामेश्वरम का जो मंदिर है वो आपको मतलब कहीं भी उसका नहीं मिलेगा, मतलब मंदिर होता है ना सारे मंदिर एक ही होते हैं, पर ये मंदिर बहुत अलग है, मतलब वर्थ कमिंग, और एक बार जरूर जाइएगा। धनुषकोटी, सो धनुषकोटी हमारा रह गया था, वो तो हम विपिन के कलीग हैं, उन्होंने बोला था कि धनुषकोटी तो जाना ही है, वहाँ जा रहे हो तो ये सारी चीजें थी, तो हम लोगों के दिमाग में था, हम लोग आए तो वैसे भी हम लोग हर चीज कवर करते ही हैं, तो हम लोगों को लगा कि कार लेके जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और पार्किंग वार्किंग का रामेश्वरम में भी थोड़ा डिफिकल्टी है क्योंकि छोटा सा शहर है, पार्किंग करना और टूरिस्ट है पूरा, पूरे टूरिस्ट ही है वहाँ पर, वही प्रॉब्लम ये था कि कैसे जाओ, मतलब 4-5 जगह इधर है कुछ जगह उधर है, तो गूगल मैप में
जाने से पहले आपको पता होना चाहिए आप जा कहाँ जाओ, और हम लोग ऐसा था कोई एरिया छूट ना जाए करके। हाँ। तो हम लोगों ने फिर वही मंदिर के पास हम लोगों ने अपनी गाड़ी कार जो है पार्क की, पहले हम कार लेके दर्शन करने गए थे पार्क की, उसके बाद कार अब गए होटल, मतलब कार को अपने होटल में छोड़ी, उसके बाद फिर से फ्रेश फ्रेश हुए अच्छे से, क्योंकि हालत खराब हो जाती है बहुत लंबा है। तो उसके बाद फिर से अपन वापस आए मंदिर के पास, क्योंकि मंदिर के पास ही होटल है, मतलब ऑटो वालों का मतलब बहुत सारे खड़े थे। वो एक पोस्टर रहता है, मैं उसका फोटो डालूंगी, उसमें पूरा लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो चार घंटे का टूर था, और 1200 कुछ ना लग रहा, 1000 रुपीज उसने लिए, 12 जगह घुमाया। तो उसमें एक मतलब मैं मेंशन करना चाहूँगा स्पेशल चीज़ें, लाइक मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से हनुमान जी मतलब उड़े थे एंड हाँ। जहाँ पे लौट के आए, जिस पत्थर पे आके बैठे हाँ। और भगवान राम को बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीता वहीं पे, सो दैट इज द प्लेस। और देयर इज वन टेंपल जहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं जो पानी में नहीं डूबते, नहीं डूबते, वो तो बहुत अच्छा। और रामेश्वरम में भी, रामेश्वरम में ही एक ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान भगवान के कितने सारे मूर्ति थे, पंचमुखी हनुमान है, तो वो तो बहुत अच्छे थे। और तो विभीषण का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा आपको, पर वहाँ पर विभीषण का जी का मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसमें पूरा पता है पिक्चराइज किया हुआ है कि मतलब एक्चुअली मैं भगवान मंदिर सब जगह अलाउ नहीं था, तो कैमरा ले जाना, तो मैं कहीं का भी फोटोज ले ली हूँ, पर जितना भी मैं ली हूँ यहाँ पर जरूर डालूंगी। रावण उनको बोला है कि मतलब रावण नहीं, विभीषण ने रावण को समझा रहे थे कि आप सीता को छोड़ दीजिए, तो रावण ने उनको पाँव मारा, तो पूरा पिक्चराइज है। और फिर वो वापस आके राम भगवान को बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, मतलब मजा आ गया देख के। हाँ, so, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब वो एक तरीके से मतलब आप उसको एक, अगर आप भगवान पे बिलीव भी नहीं करते रामेश्वरम, अगर आपको नहीं भी जाना है तो धनुषकोटी आपको जाना चाहिए जरूर जरूर, क्योंकि एक अलग ऐसा है वहाँ पे कि आप देख सकते हो यार कि मतलब इधर से बंगाल की खाड़ी है और इधर से आपका हिंद महासागर है, जहाँ पे हिंद महासागर की लहरें एकदम उछाल मार रही है, और बंगाल की खाड़ी इट इज लाइक अ वेरी स्मॉल, हाँ मतलब वो बिल्कुल हवा भी चल रहा है तब भी वो एकदम साइलेंट है, क्योंकि राम भगवान, सबको पता होगा फिर भी मैं बोल रही हूँ कि राम भगवान ने रिक्वेस्ट किया था उनके जो समुद्र के भगवान है उनसे, समुद्र देवता से हाँ रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को पुल बनाना है, तो उसको बांध के रखा। बट दूसरा एक साइंटिफिक रीजन ये माना जाता है कि हिंद महासागर द इंडियन ओशन की पोटेंशियल एनर्जी इज ह्यूज एंड बंगाल की खाड़ी इज नॉट अ ओशन, सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, सो दैट इज द रीजन। बट सो हम लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छा सजेशन देंगे आपको कि आप ट्राई करें कि अपनी खुद की कार से जाएं, क्योंकि धनुषकोटी सिर्फ, क्योंकि धनुषकोटी ऑलरेडी 1700 मीटर दूर है मंदिर से, ऑटो से अगर आप जाते तो आपको आधा घंटा तो जाने नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगा, मतलब खत्म ही नहीं होता, कब आएगा कब आएगा, ऑटो वाला फिल्टर मार रहा है, नॉट गो मोर देन 40, एंड उसके बाद से आप जो है पूरा मतलब एक डेल्टा के थ्रू होके जाते हैं, मतलब डस्ट मतलब क्या पूरा वो जो वो रेत रहता है, रेत पूरा मुंह में आएगा, पूरा अंदर चले जाता है रेत, तो कार से जाएंगे तो आपको नहीं पड़ेगा और आप जल्दी से वो क्रॉस कर लेंगे। और वहाँ का जो व्यू है ना, ओह गॉड अमेजिंग। और वहाँ पर बाड़ भी आया था, तो वो भी पूरा है कि पहले रेलवे स्टेशन था, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो सारी चीजें बहुत अच्छा लगा जाके। सो गाइस, अब फाइनल पार्ट में आते हैं हमारे, अब डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को कितना लगा, हम लोग एक कपल के बारे में बता रहे हैं, मेरे और विपिन के बारे में। सो गाइस, फर्स्ट कमिंग टू द पेट्रोल, सो हम लोगों ने 7500 का पेट्रोल लगाया ना, तीन बार टंकी फुल कराई है, हमारे पास ग्रैंड आइटम है। उसके बाद सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ रुके थे। सो सबसे पहले मदुरई में हम लोग रुके थे, वो बहुत ही घटिया ओयो रूम था, उसमें था कि ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करेंगे, बट हम लोग को ब्रेकफास्ट नहीं दिया उसने, तो वहाँ पर हम लोग कितना लगा ओयो रूम्स में, 1000 रुपीज पर नाइट, पर रूम ना, पर नाइट पर रूम। और फिर देन हम लोग रामेश्वरम में रुके, रामेश्वरम में टू नाइट्स आए थे, रामेश्वरम में टू नाइट्स लगा के हम लोगों को पड़ा 5000 रुपए एक कपल का लगा, टू नाइट्स 7000 प्लस 2500 प्लस कितना 10000 यहाँ हो गया, तो वही है हमारा कि 10000 लगा और खाने वाना जो भी, दो से 3000 रुपए आप खाने का ले लो, तो वही है टोल का ले लो आप 5000 रुपए, तो हम लोग का हो गया, मतलब 15000 के अंडर हमारा सब कुछ हो गया, ट्रिप आपकी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट, सो विल एंड आवर वीडियो हियर ओनली, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप,
एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. सब कुछ सारे अच्छे अच्छे चीजें कर लो, शेयर कर लो सब कुछ जो जा रहा है रामेश्वरम उसके साथ जरूर शेयर करेगा. हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Like I am dreaming, letting go of these dreams.